उस समय सर्वम भट्टाचार्य को थोड़ा गुस्सा आता है। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे ठीक है बाद में जाके मुझे प्रवचन देना, पहले जाके महाप्रभु को प्रसाद खिलाना और महाप्रभु को यहाँ पे लेके आना, लाइक दैट। इनफैक्ट इसके पहले सर्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को पूछते हैं, आप बोल रहे हो मेरे पे भगवान की कृपा नहीं है, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इस पे प्रूफ क्या है? आप बोल रहे हो आप भगवान के महान भक्त हो, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट? तो समय गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, जिसको भगवान की भक्ति पे विश्वास है, राइट, इसका अर्थ है कि उसको भगवान का कृपा है, यस द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो इस तरह से सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, पहले महाप्रभु को यहां पे लेके आओ, देन वी विल सी, बाद में मेरे साथ प्रवचन करना, डिस्कस विद मी। तो गोपीनाथ आचार्य जाते हैं और महाप्रभु के पास, यहां पे देखिए दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी ये जो डिस्कशन हो रहा था, महाप्रभु यहां पे उपस्थित नहीं थे, महाप्रभु वॉज देयर इन कुंजमठ। तो जब अभी मुकुंद और गोपीनाथ आचार्य जाते हैं महाप्रभु के पास, वो महाप्रभु के सामने जाके सब बोलते हैं, सर्व भट्टाचार्य आपके बारे में ये बोल रहा है कि आप भगवान के अवतार नहीं हो, ये हो वो हो। सो दे बिकम वेरी अनहैप्पी। पर महाप्रभु का रिएक्शन क्या था? सुनी महाप्रभु कहे ऐचे मत कथा कह आमा प्रति भट्टाचार्य अय अनुग्रह। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? भट्टाचार्य तो मेरे पे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए वो कर रहे हैं। अमार संन्यास धर्म चाहे न राखी थे वात्सल्यत करुणा करे न यही दोषी याते। महाप्रभु बोलते हैं, सर्व भट्टाचार्य मुझसे प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रेम है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत वेदांत सूत्र समझाना चाहते हैं, उसमें क्या गलती है? आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने आनंद करीला जगन्नाथ दर्शन। तो अगले दिन सर्व भट्टाचार्य के पास आते हैं और दोनों मिलके जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहां पे सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को एक आसन देते हैं और वो नीचे बैठते हैं, क्योंकि अभी प्रवचन देने वाला है सर्व भट्टाचार्य, फिर भी ये सन्यासी है, तो सन्यासी को ऊंचा आसन देते हैं एंड ही सिट्स डाउन गृहस्थ के रूप में।